जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों बात करते हैं, और बहुत बड़ी रिलेशन भर्ती आ चुकी है जिसको सबसे इंतजार था, सबको इंतजार था इस भर्ती को लेकर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये सबसे अभी तक का बेस्ट सेंटर, जितना 45-46 सेंटर है अभी तक का सबसे बेस्ट सेंटर जिसको माना जाता है, जो कि आर्टिलरी सेंटर है, और कहाँ का है, जो कि नासिक का है। और बहुत बच्चे कन्फ्यूज थे कि 1 अक्टूबर में, तो दोस्तों बता दूँ कि जो अक्टूबर वाली भर्ती थी आपकी वो हैदराबाद की, आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद की थी, ये क्लियर हो गया। और ये वाली जो भर्ती आपकी नासिक रोड की है, तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ ये आपको, ये चार्ट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका भी पूरा PDF आ जाएगा कुछ दिनों में, तो टेलीग्राम में जुड़े रहे हमारे से। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी भर्ती चलने वाली सितंबर से, 8 से 9 सितंबर आपकी चलने वाली अग्निवीर GD की टेक्निकल की, और आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन वाली की भर्ती चलेगी 8 से 9 तारीख को, ये क्लियर हो गया। 10 तारीख को आपकी जो म्यूजिशियन की टेस्ट होती है वो आपकी होने वाली है, और 11 तारीख को रिजर्व कर दिया गया है मतलब। तो फिर नीचे आते हैं 12 तारीख को, तो दोस्तों इधर देख सकते हैं 12 सितंबर को अग्निवीर GD की भर्ती चलेगी, टेक्निकल की भर्ती चलेगी। इसमें आप देख सकते हैं प्रायोरिटी कैंडिडेट्स अपना देख लीजिएगा, कौन कौन से स्टेट के बच्चे हैं आप। और 13 तारीख को फिर से आपका जो रिजर्व डे मतलब इधर है, इसमें आपका मेडिकल एडिकल शायद करा दिया जाएगा, ये होगी आपका रिजर्व डे, ठीक है। बात करते हैं 14 तारीख को अग्निवीर GD की इसमें बड़ी भर्ती चलने वाली है, इसमें अपना स्टेट देख लीजिएगा। 15 तारीख को रिजर्व डे कर दिया गया, 16 तारीख को आपका अग्निवीर GD की भर्ती चलने वाली है, और अग्निवीर टेक्निकल की अपने देख लीजिएगा इसमें दिया गया है कैटेगरी वाइज, और इसमें अपना स्टेट देख लीजिएगा, क्लियर। बात करते हैं उसके बाद 18 तारीख को, तो इसमें भी वही आपका अग्निवीर GD और इधर स्टेट दिया गया है, और 19 को आपका रिजर्व कर दिया गया है। 20 सितंबर को आपकी प्रायोरिटी कैंडिडेट्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, क्लियर हो गया आपका, ऑल यूनियन टेरिटरीज उनकी भर्ती चलने वाली है। और जो 13 तारीख को फिर इसमें भी 21 तारीख को आपका रिजर्व कर दिया गया है, देख सकते हैं। तो बात करते हैं नीचे 22 तारीख को आते हैं, तो 22 तारीख को आपको ट्रेडमैन की भर्ती चलेगी, क्लियर कर दूँ मैं दोस्तों। ऑल स्टेट ऑल इंडिया, इसमें हर स्टेट के बच्चे आ सकते हैं कोई भी, और ट्रेडमैन की भर्ती चलेगी, क्लियर। और 23 तारीख को आपका मतलब यही रिजर्व डे कर दिया, मतलब आपका इसमें शायद डॉक्यूमेंटेशन करा देंगे और ये सब करा देंगे, तो क्लियर हो गया। अभी ये पूरा चार्ट आया नहीं है क्योंकि अभी आ जाएगा कुछ दिनों में। तो दोस्तों आप टेलीग्राम जरूर बने रहे, और कोई भी सवाल हो, और दोस्तों बता दूँ कि इसका ग्राउंड अभी तक का मेरे को लगता है सबसे बेस्ट, इसका सबसे बेस्ट ग्राउंड है, क्योंकि मैं इस पर रनिंग कर चुका हूँ, और बहुत अच्छा सेंटर है ये दोस्तों अदर सेंटर के लिए। इसमें बता दूँ मैं 100% चांस है यही एक सेंटर जिसमें, क्योंकि इसमें शायद मेरे को लगता है 45 यूनिट है शायद इसमें, तो इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा होती है शायद। इसमें ट्रेडमैन की भी इस बार जो आई थी भर्ती, पिछले बार उसमें ट्रेडमैन की 100 सीट थी, तो सोच लीजिए कि ट्रेडमैन की भी इसमें वैकेंसी होती है। GD तो मान लीजिए, GD तो आराम से वैकेंसी इसकी 700 पिछले बार थी दोस्तों। तो क्लियर हो गया इसकी वैकेंसी के बारे में, और इसका ग्राउंड है मैं आपको क्लियर कर दूँ, और सबसे बेस्ट सेंटर है ये मेरे जितना मेरे को एक्सपीरियंस है अभी तक का, सबसे नंबर 1 पे इसको मैं रखता हूँ सेंटर। तो भर्ती देखने जाए तो इसमें ज़रूर जाए, और अपने सेंटर तो जाए, तब तक के लिए जय हिंद।